जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के शोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों का अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, जिसके आप लोग साइट पर देख सकते हैं यह अकाउंट भी डिसेबल हो चुका है। आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि हमारा अकाउंट क्यों डिसेबल हो जाएगा, और ना अभी तक किसी यूट्यूबर को आपको बता दे कि आपका अकाउंट आखिर क्यों डिसेबल हो जाएगा। इसके बारे में आप लोगों के पास नॉलेज नहीं, आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर गलती करेगा तो फिर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, और फिर बाद में आप सभी लोग परेशान हो जाएंगे, यार हमारा अकाउंट डिसेबल हो चुका है, हमारा अकाउंट अभी रिकवर नहीं हुआ। तो इससे बेहतर है कि आप लोग आज की वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग यही चीज़ सिखाने वाला कि आखिर आप लोग अपना अकाउंट के ऊपर कौन सा गलती करेगा कि आपका अकाउंट उन गलतियों की वजह से डिसेबल हो जाएगा। तो चलो मजीद आप लोगों को जो टाइम था वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतुल्ला है और आप देख रहे हैं टेक्निकल मोनिस। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। और इसके साथ जो छोटा सा बेल आइकन शो हो जाएगा, ये आप लोग ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं इस तरह फेसबुक के हवाले से जितने भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो चलते बिना टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि आजकल फेसबुक पर ज्यादातर लोगों का अकाउंट डिसेबल हो चुका है, जैसे कि आप लोग साइट पर देख सकते हैं यह अकाउंट भी डिसेबल हो चुका है। लेकिन अभी तक आप लोग ने सोच नहीं कि हमारा अकाउंट क्यों डिसेबल हो जाएगा, इसके पीछे आप लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ करेगा तो इसकी वजह से आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। तो आपका अकाउंट क्यों डिसेबल हो जाएगा, आप लोग कौन सा गलतियाँ करेगा, तो आज के शोडो में हम इसके बारे में बात करने वाला है। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहला और जो बड़ा नंबर पर आप लोग गलतियाँ करें, गलती है कि आप लोग अपना अकाउंट के ऊपर या पेज के ऊपर खून खराबी वाले वीडियो अपलोड करें या इसके ऊपर पोस्ट अपलोड करें, तो इसकी वजह से आपका अकाउंट डिसेबल हो जाए, क्योंकि यही चीज़ फेसबुक का जो टर्म्स है इसके खिलाफ है। अगर आप लोग अपना अकाउंट के ऊपर ये गलती करेगा तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, कभी भी आप लोग ये गलती नहीं करना। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप लोग ये गलती करेगा कि आप लोग जानवर के ऊपर जुलम करेगा या उसके ऊपर आप लोग बस सलूकी करें और इसका वीडियो या पोस्ट अपने पेज या फेसबुक अकाउंट के ऊपर अपलोड करें, तो इसकी वजह से भी आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। तो ये गलती भी आप लोग कभी भी नहीं करना, वरना आपका अकाउंट भी डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर आप लोग ये गलती करेंगे किसी दूसरे के ऊपर जुलम हो जाएगा, उसके बाद ज्यादा हो जाएगा, तो आप लोग इसका वीडियो या पोस्ट अपलोड करें, तो इसकी वजह से भी आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। तो ये गलती भी आप लोग कभी भी नहीं करना। आगे मैं आप लोगों को फेसबुक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके ऊपर कौन सा पॉलिसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने एक ब्राउजर ओपन कर दिया और इसके ऊपर आप देख सकते हैं फेसबुक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है वाज माई अकाउंट डिसेबल, मतलब मेरे जो अकाउंट है वो क्यों डिसेबल हो जाएगा। तो इसके नीचे यहाँ पर लिखा यूर अकाउंट वाज डिसेबल फॉर गोइंग टू अगेंस्ट आर फेसबुक टर्म्स, और नीचे यहाँ पर पॉलिसी भी लिखा, आप लोग खुद देख सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पॉलिसी वो ये कि यूर अकाउंट मस्ट लेस यूर ऑथेंटिक नेम, मतलब आपके अकाउंट के ऊपर ऑथेंटिक नेम होना चाहिए, ऐसा फेक नेम नहीं होना चाहिए, जिसके अक्सर आप लोग अपने अकाउंट के लिए स्टाइलिश नेम रखते हैं, इससे भी आपका अकाउंट डिसेबल हो जाए। कभी भी आप लोग ऐसे फेक नाम नहीं रख लेना, आप लोग अपने अकाउंट के ऊपर ऐसा नाम रख लेना जो नादरा में एक्सेप्टेबल हो, जो बिल्कुल फेक नहीं है। अगर आपके कोड नंबर आई कार्ड के ऊपर जो भी नाम एक्सेप्टेबल है तो आप लोग सेम वही रख लेना। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक और पॉलिसी, पर्सनल अकाउंट मस्ट रिप्रेजेंट इंडिविजुअल पीपल ओनली, मतलब आप लोग अपना अकाउंट के ऊपर किसी मशहूर शख्सियत को नुमाइंदगी नहीं करना कि आप लोग इसका तस्वीर लगा दें, आप लोग इसका नेम लगा दें, इसका जो नुमाइंदगी था आप लोग बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर ATC भी लिखा, मतलब आप लोग एग्जांपल भी दे दिया, बाकी आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं। आप लोग गूगल पे जाकर यहाँ पर आप लोग सर्च कर देना वाई वाज माई अकाउंट डिसेबल, तो ये वाला जो पेज था आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप लोग खुद रीड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक और पॉलिसी है, पर्सनलिंग एनी वन आर एनी थिंग आर नॉट अलाउड, मतलब आप लोग अपने अकाउंट के ऊपर किसी का नकारी करें, चाहे उसका प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करें, इसका कवर पिक्चर यूज़ करें या उसका जो नेम था वो यूज़ करें, तो आपका जो अकाउंट था वो नकाली में आ जाएगा, आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। तो ये भी एक पारे से, यहाँ पर नीचे कवर पारे से भी लिखा, आप लोग किसी के साथ परफेस करना या आप लोग किसके साथ स्पैमिंग करना, आप लोग इसके साथ हरासिंग करना, जब आप लोग भी इस तरह अकाउंट क्रिएट करें तो आपका अकाउंट भी डिसेबल हो जाएगा। तो कभी भी आप लोग ये गलती भी नहीं करना। तो बस ये कुछ गलतियाँ थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और इस आर्टिकल का जो लिंक था आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल में जितने भी गलती लिखे, ये गलती आप लोग कभी भी नहीं करना, इंशाल्लाह आपका अकाउंट कभी भी डिसेबल नहीं हो जाएगा। तो बस यही इन्फॉर्मेशन था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। और ऐसे पॉलिसी वाले वीडियो यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया तो इसके लिए हमारे भी हक बंद है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग ऐसे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आप लोग इस तरह यूनिक सा कंटेंट मिलेगा, तो इसके लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बस ये होगा आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।